हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की नेक्स्ट क्लास है और इसमें हम आज त्रुटियों के अंदर में कुछ डेफिनेशंस हमने पहले पढ़ ली थी पिछले वीडियो में, और उसके बाद कुछ और डेफिनेशंस हैं और ये एक एक करके ही समझी जाती हैं, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। और सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दो दो नंबर में ये अलग से भी पूछी जा सकती हैं, सिंगल सिंगल डेफिनेशन। तो इसमें त्रुटियाँ तो ये तीन हैं खैर, लेकिन माध्यमान जो है वो अलग से एक चीज़ होती है, तो उसको हम पढ़ेंगे। ये कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन परम त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि, ये हमारी त्रुटियां हैं। इनको आप उसमें भी शामिल कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये त्रुटियों के प्रकार आते हैं, तो आप पुराने जो डेफिनेशंस हैं ये वाली, बाह्य कारणों से अनियमित त्रुटियाँ, व्यक्तिगत और यंत्र के कारण क्रमबद्ध त्रुटियाँ, स्थिर त्रुटियाँ, है ना, इनमें इसको शामिल कर सकते हैं अगर टाइम आपके पास सफिशेंट है तो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमान की, यानी कि मीन वैल्यू की। तो ऐसा होता है कि जैसे कभी कोई, मान लिया सपोज प्रैक्टिकल हमें ऐसा करना है कि जिसमें वैल्यू पता रहती है, जैसे स्मॉल जी की वैल्यू निकालनी है, गुरुत्वीय त्वरण का मान निकालना है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है वो, इसका मान हमें मालूम रहता है कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अब हमने प्रैक्टिकल करके देखा तो हमारा, मान लिया सपोज करिए 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया, तो हम इससे त्रुटि आराम से निकाल सकते हैं कि कितनी एरर हो गई है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है इसकी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लिया सपोज हमने कहा कि एक क्षण दे दी हमने आपको और इसकी लंबाई बताइए, तो अब ये क्षण कोई ऐसी क्षण तो है नहीं कि इसकी लंबाई किसी किताब में या कॉपी में लिखी हो, ये तो फिर नाप के ही पता करनी पड़ेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं कि हम इसकी 5 या 10 मान निकाल लेते हैं और फिर उनका एवरेज ले लेते हैं, बता दिया, और इन सभी मानों का माध्य ले लेते हैं। तो ये कई सारे मान निकालने के बाद तो ये जो वैल्यू आएगी निकल के, इसे हम अपने हिसाब से जो है वो वास्तविक मान मान सकते हैं। देखिए, वास्तविक है या नहीं उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि ट्रेडिशन ये है कि साइंटिस्ट लोगों ने बता रखा है इस बात को कि क्या एग्जैक्ट माना जाए, तो फिर उसी माध्यमान को ही वास्तविक मान मान लिया जाता है। देखिए, माप के कई प्रेक्षणों के माध्य को, ठीक है ना, कई सारे प्रेक्षण लिए, जैसे A1, A2, A3, सो ऑन AN लिए, और उसका माध्य लिया, यानी कि जितने ऑब्जर्वेशन लिए उतने नंबर से डिवाइड भी कर दिया, तो उस वो जो राशि निकल के आती है उसे हम माध्यमान कहते हैं या फिर वास्तविक मान कहते हैं। और इसमें जैसे मान लिया सपोज किसी माप के n प्रेक्षण लिए हैं हमने और उनके वैल्यूज A1, A2, सो ऑन AN है, तो माध्यमान कैसे निकलेगा, तो AM इज इक्वल टू A1 प्लस A2, सबको जोड़ दीजिए, और जितने ऑब्जर्वेशन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि n ऑब्जर्वेशन है, तो उससे डिवाइड कर दीजिए। इसको हम बॉक्स में बंद कर देंगे। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है, इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये 1/n तो खैर अलग है, इसको अलग कर लीजिए, और A1, A2, A3n, यानी कि 1, 2, 3 लगातार चला है और फिर जोड़ा गया है, तो जोड़ने को हम सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन सिंबल से। ये एक्चुअली वैसे तो सिग्मा होता है, स्मॉल सिग्मा ऐसे लिखा जाता है, कैपिटल सिग्मा ऐसे लिखा जाता है, लेकिन जब इसको हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो इसे समेशन करके पढ़ते हैं, और इसमें I इज इक्वल टू 1 to n लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये होता है कि बार बार आपको वो वैल्यू चेंज करनी है। जैसे आप देखिए यहाँ पे I 1 से लेके n तक है और AI आगे लिख दिया, तो इसका मतलब पहले I की वैल्यू 1 पड़ेगी, तो हमारा ये वाली वैल्यू आई, फिर उसका समेशन की वजह से यहाँ पे बीच में प्लस लग जाएगा, फिर I की नेक्स्ट वैल्यू यानी कि 2 पड़ेगी यहाँ पे, तो उससे A2 तैयार होगा, फिर उसका समेशन की वजह से प्लस लग जाएगा, फिर ऐसी करके I की वैल्यू चेंज होते होते 1 से लेकर n तक जानी है, तो 1 से लेकर n तक जब जाएगी तो ये A1, A2, सो ऑन करके AN तक आ जाएगा। तो इस तरह से ये माध्यमान जो है हमारा कैलकुलेट हो जाता है। अब इसके बाद आती है परम त्रुटि, और इसमें माध्य परम त्रुटि, इसके अंदर दूसरा एक कंसेप्ट आएगा आगे चल करके, ये माध्य मान त्रुटि नहीं है, ये माध्य परम त्रुटि है, ठीक है ना। तो इसमें माध्य त्रुटि, परम त्रुटि सबसे पहले देख लेते हैं। आपने जो अभी ऊपर वैल्यू निकाली है, जो माध्यमान है या जिसको कि वास्तविक मान आप कह रहे हो, यानी कि AM है, अब आप देखेंगे कि आपने कई सारी जो वैल्यू निकाली थी, A1, A2, A3 ऐसे करके खूब सारी वैल्यू थी, तो ये जो एवरेज वैल्यू आएगी ये इनमें से बीच में पड़ेगी जा करके कहीं पे। कुछ मान इससे बड़े होंगे, AM से बड़े होंगे, कुछ मान हो सकता है इससे छोटे हों। तो जब हम इनका अंतर देखेंगे, देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है परम त्रुटि में, किसी मापन प्रक्रिया में वास्तविक मान तथा प्रेक्षण के मान के अंतर को परम त्रुटि कहते हैं। तो परम त्रुटि कैसे निकलेगी, जैसे अगर मान लिया सपोज ये निकालने का तरीका है, परम त्रुटि इज इक्वल टू वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, मतलब फॉर्मूला ये हो जाएगा डेल्टा AI इज इक्वल टू AM माइनस AI। जैसे अगर 1 डाल दें I की वैल्यू, तो डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1, ठीक है ना।
तो इसका मतलब ये हुआ A1 में त्रुटि कितनी है, तो AM से A1 को घटा दिया। A2 में कितनी त्रुटि है, यानी कि डेल्टा A2, तो ये AM से A2 को घटा दिया। ऐसी सुवन सुवन करके अगर हम AN में त्रुटि निकालना चाहें, परम त्रुटि, तो AM में से AN को घटा देंगे। अब आप जाहिर सी बात है, ध्यान रखिए, कुछ AM से जो बड़ी क्वांटिटीज होंगी उनको घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा, और अगर AM से छोटी क्वांटिटी होंगी उनको घटाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। तो कुछ परम त्रुटियां पॉजिटिव निकलेंगी और कुछ परम त्रुटियां जो है वो नेगेटिव निकलेंगी। तो ये चीज परम त्रुटि होती है। अब बात आती है जब कई सारी परम त्रुटियां हैं तो एक वैल्यू अगर देने को कहा जाए, तो हम उस समय निकालते हैं माध्य परम त्रुटि। ये यहाँ पे माध्य परम त्रुटि ये है मीन एब्सोल्यूट एरर। तो अब यहाँ पर देखिए एक दिक्कत ये आती है कि इसमें से मैंने बताया जैसे कि कुछ पॉजिटिव होंगी कुछ नेगेटिव होंगी, और जब पॉजिटिव और नेगेटिव को आप ऐड करोगे तो वो अमाउंट कम हो जाएगी, यानी कि एरर का मान कम हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए। त्रुटि जो होती है वो हमेशा जो है मैक्सिमम निकाली जाती है कि कितनी ज़्यादा से ज़्यादा त्रुटि हो सकती है। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या करा गया है कि पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर खत्म करा गया और ये लिखा गया, देखिए, इसका मान ज्ञात करने के लिए समस्त परम त्रुटियों के धनात्मक मानों का माध्य ले लेते हैं और वो हमारा माध्य परम त्रुटि कहलाती है। ठीक है ना? तो मतलब आप ऐसे डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि समस्त परम त्रुटियों के धनात्मक मानों के माध्य को माध्य परम त्रुटि कहते हैं। तो माध्य परम त्रुटि क्या होगी, इसको डेल्टा AM से शो करते हैं, ये नीचे लिखा हुआ है, और ये क्या है, जितने भी ये ऊपर डेल्टा निकल गया है इन सबका मॉड ले लेना है। मॉड मतलब मैग्नीट्यूड ले लेना है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है और डिवाइड बाई जितने ऑब्जर्वेशन हैं इसके, तो वो अपॉन एन कर दिया। समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो 1/n और समेशन i=1 to n और डेल्टा AI इस तरह से करके लिख दिया जाएगा। तो ये आपका जो है वो माध्य परम त्रुटि हो जाएगा। और इसमें जो है वो ध्यान दीजिएगा, मैग्नीट्यूड लेने की वजह से सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब ये हमारी जो है त्रुटि निकलेगी ही निकलेगी। अगर कुछ पॉजिटिव होते कुछ नेगेटिव होते तो ये कम हो जाती, हो सकता है वो जीरो भी हो जाती, क्योंकि गलत ऑब्जर्वेशन होता, क्योंकि त्रुटि तो है ही। अब यहाँ पे जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये फिर त्रुटि खत्म कैसे हो गई, तो इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव मान लिए जाते हैं ताकि कुछ ना कुछ वैल्यू निकले, मैक्सिमम एरर निकले। फिर इसके बाद यह है कि सापेक्ष त्रुटि। अब बात आती है, जैसे मान लिया, सपोज करिए ये जो त्रुटि हमारी आ गई माध्य परम त्रुटि आ गई, और वास्तविक त्रुटि AM थी, उसमें त्रुटि वास्तविक जो मान था वो AM था, उसमें त्रुटि हमारी डेल्टा AM थी। अब ये जो त्रुटि हुई है ये इसके मुकाबले ज़्यादा है या कम है, मतलब हमारा एक्सपेरिमेंट कितना अच्छा हुआ या कितना खराब हुआ। मैं इसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये हम क्यों निकाल रहे हैं सापेक्ष त्रुटि। जैसे मान लिया, सपोज करिए आप किसी दुकान पे गए और दुकान पे आपने जाकर के ये कहा कि आपने करीब 102 रुपये का सामान लिया, और 102 रुपये का सामान लेके आपने क्या किया, जेब में हाथ 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 डाला और आपने 100 के बाद देखा 50 की नोट है आपके पास, तो आपने 100 और 50 यानी कि 150 रुपये दुकानदार को दिए। अब कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि वो फिर आपको सीधे सीधे 50 लौटा देंगे, कहेंगे 2 रुपये छोड़ो। तो यानी कि 102 रुपये में 2 रुपये दुकानदार के लिए मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि उसने उससे ज़्यादा आपसे कमा लिया होगा। लेकिन अगर आप अगली बार जाओ कि इस दुकानदार ने मुझसे तो 2 रुपये लिए ही नहीं थे, तो अगली बार जाओ और केवल 2 रुपये की टॉफ़ी लो और फिर उससे कहो कि 2 रुपये की क्या देने, 2 रुपये और बस हो गया, बस खत्म, तो फिर वो दुकानदार उस समय नहीं मानेगा। तो कहने का मतलब ये है कि 102 के आगे 2 कम ज़्यादा होना कोई मायने नहीं रखता, लेकिन 2 ही रुपये में अगर हम 2 रुपये कम ज़्यादा करते हैं तो ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है। तो 2 रुपये का ही बात है लेकिन इस समय उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसकी काफ़ी सारी वैल्यू है। तो यही चीज़ इसमें हो जाती है कि अगर मान लिया, सपोज करो कोई ऑब्जर्वेशन हम इतनी बड़ी लेंथ ले रहे हैं और उसमें इतनी त्रुटि हो जाए, और एक बार हम इतनी ही लेंथ नापें उसमें ही इतनी त्रुटि हो जाए, तो त्रुटि तो बराबर है दोनों में, लेकिन प्रैक्टिकल हमारा यहाँ पे कम गड़बड़ हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा गड़बड़ हुआ है ना, ये चीज़ बताने के लिए हम सापेक्ष त्रुटि करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो हमारी त्रुटि होती है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं, इससे हमारी जो है सापेक्ष त्रुटि आ जाती है। तो परिभाषा कैसे बनेगी, माध्य परम त्रुटि डेल्टा AM तथा प्रेक्षण के माध्य मान को, ठीक है ना, अनुपात को सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, और सापेक्ष त्रुटि इज इक्वल टू डेल्टा AM अपॉन AM हो जाएगी जा करके। तो इस तरह से सापेक्ष त्रुटि होती है। अगर आपकी ओरिजिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो त्रुटि उसके हिसाब से फिर वो कम हो जाती है। बड़े ऑब्जर्वेशन में थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो जाए तो कोई खास मायने नहीं रखता, लेकिन अगर वैल्यू कम है, AM की वैल्यू कम है, जो मान नाप रहे हैं वही अमाउंट कम है, तो उस केस में जो है वो त्रुटि के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल करते समय जो चीज़ें छोटी होती हैं उनको ज़्यादा सावधानी से नापना पड़ता है,
क्योंकि उसमें जो त्रुटियां आएंगी वो ज्यादा वैल्यू ले लेती हैं जा करके। इसके बाद आता है प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए, सापेक्ष त्रुटि में हमने डेल्टा एम अपॉन एम तो कर लिया, लेकिन हम हमेशा हर चीज को प्रतिशत में व्यक्त करना चाहते हैं, उससे हमें देखने में ज्यादा सही लगता है। जैसे आप लोग अपने मार्क्स देखते हैं, मान लिया सपोज किसी बच्चे के 500 में से कोई बोर्ड है, उसमें 500 में से 440 नंबर आए, और किसी दूसरे बच्चे के बोर्ड में कुछ दूसरे बोर्ड से है तो उसमें 600 का पेपर होता है, और उस 600 के पेपर में उसके जो है वो उसके भी 440 नंबर आए। तो अब दोनों बच्चे कहें कि हाँ 440 तुम्हारी भी 440 हमारे भी, तो बात बराबर हो गई। तो बात बराबर नहीं है। बात इसलिए बराबर नहीं है क्योंकि इसके 500 में 440 है, इसके 600 में 440 है। इसके मार्क्स अच्छे माने जाएंगे, इसके मार्क्स उतने अच्छे नहीं माने जाएंगे। तो ये कैसे पता लगेगा? ये तब पता लगेगा जब आप ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड करके और इसका परसेंटेज निकालोगे इन 200 करके, तो इसका ज़्यादा परसेंटेज आएगा, और यहाँ पर जब इसका परसेंटेज निकालोगे तो इसका कम आएगा। तो परसेंटेज में जब हम अपने मार्क्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो कंपेरिजन करना आसान हो जाता है। तो सेम ऐसे ही जब भी ये तो त्रुटि आती है, सापेक्ष त्रुटि, इसको अगर हम प्रतिशत में व्यक्त कर दें, ठीक है ना, प्रतिशत त्रुटि तब ये कहलाती है। तो देखिए, सापेक्ष त्रुटि का प्रतिशत प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी? तो डेल्टा एम अपॉन एम और इंटू 100, बस आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी आगे प्रतिशत का साइन लग जाएगा, बस ये आपकी प्रतिशत त्रुटि हो जाती है। तो ये ऐसा टॉपिक है कि पहले आप माध्यमान पढ़ोगे, फिर परम त्रुटि पढ़ोगे, फिर माध्य परम त्रुटि पढ़ोगे, और फिर सापेक्ष त्रुटि पढ़ोगे, और तब जाके प्रतिशत त्रुटि आपको ये तब निकाल पाओगे। तो सब आपस में इंटर रिलेटेड है, एक के पढ़ने पर दूसरी तब समझ में आती है। फिर उसके बाद कुछ इसमें अलग बातें लिखी हैं, तो मैं समझा देता हूँ। अगर कोई वैल्यू है, कोई राशि है, उसको त्रुटि सहित लिखना है तो तरीका होता है उसकी वैल्यू जो एम है यानी कि और प्लस माइनस डेल्टा एम। ये यहाँ पे एम नहीं है बल्कि डेल्टा ए एम है, तो मैं अलग से भी लिख देता हूँ, ये बच्चे ने लिखने में यहाँ पे गलती कर दी है। ए एम यानी कि उसका वास्तविक मान यानी कि माध्यमान जो भी है, और उसमें कितना कम ज्यादा हो सकता है, तो प्लस माइनस डेल्टा ए एम यानी कि जो माध्य परम त्रुटि है, ठीक है ना, उतना कम ज्यादा इसमें हो सकता है। ये राशि को त्रुटि सहित लिखने का तरीका होता है। दूसरी बात, अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं आप, जैसे मान लिया जी का मान था, जी का मान 9.8 था, आपका आया 9.6, तो अब इसमें अगर मान लिया प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो क्या तरीका होना चाहिए? तो उसके लिए फॉर्मूला ये होता है, प्रतिशत त्रुटि इज इक्वल टू वास्तविक मान मतलब 9.8 रख देंगे माइनस प्रेक्षित मान 9.6 लिख देंगे अपॉन वास्तविक मान यानी कि 9.8 इंटू 100। इससे उस प्रैक्टिकल में एरर निकल आती है। तो ये प्रैक्टिकल में प्रतिशत त्रुटि निकालने का तरीका होता है। तो ये हमने दो तीन डेफिनेशन आज देख ली है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होंगी। और कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान करें। वीडियो पसंद आया है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल नहीं हैं तो उसमें शामिल हो जाएं। मैं आप अपने वीडियोज़ में आपको अपना नंबर बताता रहता हूँ, जिसमें कि आप व्हाट्सएप करके अपना नाम, ब्रांच, कॉलेज, सेमेस्टर बता सकते हैं हमें, और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जो कि एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 के नाम से है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेशन त्वरित रूप से प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे कि ये जो पूरी पीडीएफ है, ये आपको कुछ दिनों बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हम प्रोवाइड कर देंगे, तब आप जो है वो उसको डाउनलोड करके और अपने नोट्स, वैसे तो आपको तरीका मैंने बताया कि आप जो वीडियो ये समझ रहे हैं इसी से आप लोग अपने नोट्स बनाते चलें, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को बाद में नोट्स चाहिए होते हैं, तो हम इनको डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो वीडियो को फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।